आइए आइए बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई, तुम लोगों ने जो इज्जत उछाली है ना उसका हिसाब लेने आई हूँ। कैसी बात कर रही हैं आप? कैसी बात? अरे फटी साड़ी भेजती हैं और पूछती हैं क्या बात है। जी, हम बैठ के बात करते हैं, जो भी शिकायत है। कितनी बार कहा मैं बैठने के लिए नहीं आई, मेरे साथ जो धोखा हुआ है ना उसका जवाब मांगने आई हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। मैं अब नीचे आई, मैं समझाती तुमको। प्रभु हे पकड़, पकड़ा, दिखाती मैं इनको, समझी नहीं बोलता है। पकड़ा। अरे खाली डब्बा मेरे को कहीं को देती है। बस ये दिखा, ये फटी हुई साड़ी दी मेरी आई को आपने, समझा? रंजू ताई छोड़ना। तू गप्पा बस बस कर, मैं लेके देता हूँ ना एक मस्त साड़ी एकदम। छोड़ना, बात को क्यों बढ़ा रही। जी देखिए, आप हमारे रिश्तेदार हैं, हम आपको फटी हुई साड़ी क्यों देंगे? हो सकता है कि गलती से ये सब... गलती से रोटी की जगह गेहूँ खाते हो क्या? पानी की जगह घासलेट पीते हो? फिर ये गलती कैसे हो सकती है? अंजू ताई। ए, कहाँ अंजू ताई? मेरे बाबा गलत है ना ये। अब ये तेरे मायके वाले सब तेरा पास्ट टेंस हो गए, हम लोग सब तेरा फ्यूचर टेंस है। हमारा साइड नहीं लेगा तो वाट लग जाएगी, है कि नहीं? है ना, अभी ऐसा साड़ी फट गया है तो डीरा मकाई को करने का, ऐसा एक्सचेंज करके ना साड़ी दे देने का, बात खत्म, है कि नहीं? है यही तो, इतनी जरा सी बात के लिए इतना शोर क्यों? आराम से बैठ के भी तो बातें कर सकते हैं। अगर साड़ी फटी है तो साड़ी नहीं दे देंगे। ये कटी पतंग ले रहती यार, कैसे आई? आपकी तारीफ। मी राजा राम, अवनी का मामा। मामा और मामी टू इन वन है रे बाबा। आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं, मैं सबके सामने बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप बेवजह इतना गुस्सा कर रही थी इसलिए मुझे बोलना पड़ा। क्या बोलना पड़ा क्या डोलना पड़ा? हमारा गुस्सा बेवजह का है और तुम्हारा बात सब बेवजह का नहीं है, ऐसा कैसा चलेगा रे बाबा? अरे ओ मिस्टर हिला डुले, मालूम है बेवजह बड़े लोगों के बीच में बोलते नहीं। देखो ताई। कौन ताई, किसकी ताई? हा? प्रभु कुछ इसको किसका ताई बोला? अरे बाबा। अरे भाऊ मैं तो बस ये कहना चाह रहा था, सिंगल दाम डबल मजा के साथ हमको ऐसा रिश्ता नहीं जोड़ने का ना बाबा। हमको पूछोगे तो सही, हम डिसाइड करेगा किससे रिश्ता बनाए करना किससे नहीं, है कि नहीं? राजा राम एक मिनट, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मैं नई साड़ी दिलाऊंगी, आप शांत हो जाइए। तुम्हें क्या लगता है मैं इस साड़ी के लिए यहाँ आई हूँ? हम भीख मांगे लगते हैं आपको? हमारे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, तुम दोगे तभी हम कपड़े पहनेंगे। अरे बात साड़ी की नहीं है, बात इज्जत की है, इज्जत की। हाँ। हमारे मान सम्मान की। हाँ। इज्जत और मान सम्मान, ऐसा क्या हम लोग साड़ी के लिए ऐसा ड्रामा नहीं करते? हमारा जहाँ रहते हैं वहाँ पे समाज में, हमारा वो एरिया में कितना रिस्पेक्ट है मालूम है? कितने इज्जतदार लोग है हम। बाहर आधे घंटे से रुका के रखे हो, पैसे दो मेरे। ना देता है ना, मजाक का छुट्टा निकाल बच्चे। नहीं अभी तो गाड़ी निकाला, छुट्टा नहीं मेरे पास। भाई साहब अब जरा बाहर रुकिए, हम पैसे दे देते आपको। ना चल, तेरा पैसा लेके भाग जाने वाला है क्या? बाहर रुको, जाओ चलो। आओ एकलत का, अब जरा बाहर देख लीजिए ना। आई अभी छोड़िए ना, गुस्सा मत करिए, चल के खाना खा लीजिए। हाँ क्या बनाया खाने में? मुझे इस घर का पानी भी नहीं पीना है।
और तू भी अवनी, बहुत रह ली इस ताजमहल में, अब घर चल। आई भास्कर। भास्कर ने भी सुन लिया है, वो लेके आया था वही लेके जाएगा। आई पर मैं अभी, मुझे कुछ नहीं सुनना। जिस घर में मेरी इज्जत नहीं रखी जाती वहां ना मेरा बेटा रहेगा और ना मेरी बहू। अब बोला है घर चल तो घर चल, नहीं तो रह जा हमेशा के लिए यहां, तोड़ दे उस घर से रिश्ता। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अपनी जाएगी ना, जरूर जाएगी, मैं अभी सामान बांधती हूँ। और अपनी फटी हुई साड़ी भी रख लो। दो रिक्शा मैं बाहर अभी रोक के आता हूँ, जल्दी आने का। साला यहाँ फिल्म की विदाई का सीन बना कर रखा हुआ है, जैसे अवनी की पहली बार विदाई हो रही हो। अरे निकलना है तो निकलो यार। तू खड़ा देख क्या रहा है? रिक्शा टैक्सी तो देख, उड़ के जाएंगे क्या? ऑटो टैक्सी का बात करता है। अरे काका का इंपोर्टेड गाड़ी का क्या करने का, इसमें बैठ के जाएंगे तो ऐसा लगेगा उड़ के जा रहे हैं। ऑटो टैक्सी का जरूरत नहीं, बराबर कि नहीं काका? जाएंगे नहीं? अभी देखना, अभी काका भी यही बोलेंगे क्या, चाबी लो और जाओ है कि नहीं। हाँ, ये जरूर आएंगे आपको छोड़ने। हाँ, नहीं नहीं काई को, नहीं नहीं बाबा आपको छोड़ने का आने की जरूरत नहीं, आपका तकलीफ समझते नहीं, हैं नहीं, आ जाएंगे। अरे कोई अरे काम धंधा वाला आदमी है, और ऐसे क्या ना एक सेकेंड हैंड गाड़ी में 7 जन बैठेगा तो क्या गाड़ी की भी वाट लग जाएगी है कि नहीं? चाबी दे दो रे बाबा, कल परसों ड्राइवर को भेज देने का, बाद में गाड़ी लेके जाएगा है कि नहीं? बराबर ला। और ऐसे भी क्या ना पक्का लाइसेंस के लिए मेरे को हाथ साफ करने का, तो सेकंड हैंड गाड़ी थोड़ा ठोक पिट जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। काका का गाड़ी है रे बाबा, चलो 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 जल्दी, टाइम खोटी ना करो। काका साइड चलो, काका थोड़ा साइड में जाओ। अरे एक मिनट काका, मैं क्या सांग तो ये दरवाजा भी इसी चाबी से खुलता है क्या? क्या हुआ? अरे अच्छा खोल के देखा, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। अरे वाह वेरी गुड। अभी क्या दरवाजा बंद तो करो। दरवाजा बंद भी मैं ही करूँ। अच्छा ठीक है, और कुछ? मैं क्या मोड़ते ये अपना जो म्यूजिक सिस्टम है गाड़ी में, उसमें पुणे की रिक्शा में ऐसा ऐसा तो आवाज आता है, वैसा सिस्टम है कि नहीं इसमें? नहीं सब आता है, एसी भी ठीक चल रहा है, सब कुछ है। हाँ निक तो बाबा। हाँ अरे चलो रे बाबा। बस मामा ये लो, ये मिठाई मैंने मंगाई थी। रहने दीजिए, ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है, चलो प्रभु। वो लड़की को खाली हाथ नहीं भेजते इसलिए। बस बस और कुछ नहीं सुनना हमको, ठीक है? अरे हाँ, वो कल नई साड़ी भेज देना और अपनी गाड़ी मंगा लेना। आइए।
चलिए अंदर चलकर खाना खा लीजिए। खाना खाना है? मैंने जो बेइज्जती हुई ना उसे हजम कर लेता हूँ, बाद में खाना खाता हूँ। और तुम्हें काय बोलता है सर? नहीं, नहीं नहीं, मुझे कुछ बोलना नहीं, कुछ सुनना नहीं है। मैं जा रहा हूँ मुंबई मेरे काम से। बिना गाड़ी के आप मुंबई जाएंगे? ये पहले सोचना चाहिए था ना, गाड़ी दे देना उन लोगों को। या जेवण झालं की या तुम्ही घरी। अहो पण थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई इन लोगों को? छी 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 छी, जिनके घर मेहमान बन के गई उसी के साथ झगड़ा कर लिया, ये भी नहीं सोचा कि बहू का मायका है, रिश्तेदारी हमारी उनसे। बहुत ज्यादा ही बोल रहे हो तुम, आधी अधूरी बात जानकर दूध की तरह उबलो मत। उन्होंने हमारी इज्जत नहीं रखी। अरे तुम्हारी इज्जत, आए दिन घर में कलेश कला होता रहता है, रास्ते चलते किसी भी बंदे से झगड़ा कर लेती हो, ये है तुम्हारी इज्जत? एक बेटी ब्याहने के बाद आए दिन यही इसी मायके में पड़ी रहती है, और दूसरी बेटी कब कहाँ किधर जाती है, किसी को कोई होश नहीं। और तुम्हारी इज्जत, जब से नई बहू आई है आज तक वो खुश नहीं है, दिन भर उसे ताने मारे जाते हैं, उसको रुलाया जाता है, बस ये है तुम्हारी इज्जत? मेरे मुंह मत लगो, पट्टी साड़ी दी है तो क्या जाके आरती उतारूं उसकी? ऊपर से तो शक्कर की तरह आइए बहन जी, बैठिए बहन जी करती रहती है, और जब देने की बात आ गई तो फटी साड़ी थमाती है। यही है तुम्हारी अकल। अरे उन्हें नहीं देना होता तो सीधे मना कर देती, फटी साड़ी क्यों देती? सोचा नहीं कि दुकान वाले की गलती हो सकती है भाई? दुकान वाले बस उसे झगड़ के चलिए। उसी माँ की बेटी तुम्हारे घर में बहू बन के आई है, दिन भर हमारी और तुम्हारी सेवा करती रहती है वो। थोड़ी सेवा क्या की, ससुर मोम की तरह पिघल गए। मैं जाऊं भाड़ में, मेरी इज्जत जाए पानी में, इनको कोई फिक्र नहीं। बस अपनी लाडली बहू को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई दुख नहीं होना चाहिए। देखो लता, देखो ये सब भाषण स्कूल में जाके करना किसी, कम से कम 4 पैसे तो मिलेंगे। देख तेरी आई नहीं समझेगी, पर भास्कर तू तो समझ, अवनी सिर्फ तेरी पत्नी नहीं, तेरी जिम्मेदारी है, है? उसे रस्मों का रिश्ता ही सिर्फ नहीं जुड़ा है, दिल का रिश्ता जुड़ गया है, दिल का, और इस रिश्ते को तुझे ही निभाना है। तेरी आई ने आज जो कुछ भी किया अवनी के साथ उसे काफी तकलीफ में होगी, तेरा ये फर्ज बन जाता है कि तू जाके उसकी तकलीफों को बंगट। तेरी आई को तो मैं क्या भगवान भी नहीं बदल सकता, इस जन्म में तो नहीं, लेकिन तू तो समझता है ना, अवनी इस वक्त के लिए बस इस वक्त तुझे ही उसका साथ। बेटा अंदर आ जाओ। खुश हो बेटा? बेटा आज तू नहीं, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ूंगा, मैं तुमसे माफी मांगूंगा बेटा। ये क्या कर रहे हैं बाबा? बेटा ये सब पता चल गया, इन लोगों ने जो तेरे घर में जाके तमाशा किया है ना, उसके लिए मैं तुझसे माफी मांगता हूँ बेटा। नहीं बाबा, अगर आप मुझे दिल से अपनी बेटी मानते हैं ना, तो आप ऐसा मत करिए।
नहीं बेटा, ये लोगों ने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर के साथ। मैंने जब इस घर में कदम रखा था तो आप ही ने मुझसे कहा था ना कि ये तेरा ससुराल नहीं है, मायका है, और हम सास ससुर नहीं, तेरे आई बाबा है। तो फिर बाबा, अपने ही लोगों में अपनों से क्या रूठना और क्या माफी मांगना। वैसे भी मुझे मेरे बाबा की तो ठीक तरह से शक्ल भी याद नहीं है, बहुत धुंधली सी यादें हैं उनकी। पर आप तो हमारे साथ हैं, मुझे आपका सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। जी तेरा बेटा। गणपति बप्पा, तूने मुझे बेटियां जैसी भी दी, ऐसी बहू देकर तूने मुझसे शिकायत का सारा मौका ही छीन लिया। बहुत चालाक है अपने गणपति बप्पा, है ना। एक बात कहना चाहता हूं मैं। देख, इस माहौल में मैं सालों से रह रहा हूं, और तुझे भी यही रहना होगा बेटा। अगर तू इस घर के माहौल को बदल सके ना, तो ये समझ ले कि मुझसे बड़ा खुशकिस्मत और कोई नहीं होगा, कोई नहीं। गणपति बप्पा तुझे हमेशा खुश। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।